सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड गाइस यार, आप सभी लोग यार OB 29 अपडेट के बाद गाइस गेम प्ले किए होंगे, तो आप सभी लोग को यार यहाँ पर फुल स्क्रीन का प्रॉब्लम आया होगा। जैसा कि गाइस आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ बगल में फुल स्क्रीन दोनों साइड देख सकते हो। गाइस ये जो है आपका स्क्रीन छोटा हो गया, जिससे कि आप सभी लोग का कस्टम HUD चेंज हो गया। यानी गाइस थोड़ा नज़दीक आ जाने की वजह से आप सभी लोग का गेम प्ले एकदम बेकार जा रहा है। आप लोग गेम प्ले कर ही नहीं पा रहे हो, एंड गाइस आप लोगों का जो है हाथ ही नहीं बैठ रहा है गेम के अंदर। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आप लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखना। एंड उससे पहले आप सभी लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि गाइस हमारे चैनल से आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। और गाइस यार जितने भी मतलब यूज़फुल वीडियोज़ होते हैं वो हमारे चैनल से आप सभी लोग को हमेशा देखने को मिलते हैं, जो कि अगर हम आप हमारे वीडियो को देखते हो तो आपके ही फायदे होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग बात करते हैं स्क्रीन के बारे में, तो देख सकते हो गाइस स्क्रीन अभी आधा हो चुका है, मतलब छोटा हो चुका है थोड़ा बगल से। एंड यहाँ पर गाइस स्पेस बच रहा है जो कि खाली स्पेस है, जिसकी वजह से गाइस अगर आप लोग जो यहाँ पर देखते हो कस्टम HUD दिखा देता हूँ गाइस आप सभी लोग को। तो यहाँ पे गाइस देखते हो कस्टम HUD, देखो गाइस कहाँ से कहाँ आ गया। देखिए गाइस मेरा फायर बटन, मतलब जहाँ मेरा रन का बटन है उसी पर गाइस मेरा जो है ऑटो इक्विप का बटन आ चुका है। एंड हमारा जो है बटन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक नज़दीक जो है मतलब एक जगह एकदम करीब हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कैसे करोगे ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस बात करते हैं इससे आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्या आने वाले। तो इसमें आप लोग देख ही सकते हो गाइस कस्टम HUD एकदम नज़दीक नज़दीक होने की वजह से हम लोग का जो है हाथ नहीं बैठ रहा है और काम नहीं कर रहा है। और गाइस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि यार OB हमेशा जितने भी OB अपडेट आते हैं गाइस हर OB अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम आता है। तो आज फाइनली इसका सोल्यूशन मैं आपसे लोग को बताता हूँ, क्योंकि यार बहुत से लोग कमेंट किए हैं कि यार भाई मेरा गेम मैंने इंस्टॉल किया फिर भी नहीं हो रहा है, फिर मैंने गेम अपना फ़ोन रिस्टार्ट किया फिर भी नहीं हो रहा है, फ़ोन को ये किया वो किया, मतलब सब कुछ करके परेशान हो गए लेकिन उनका जो है ये स्क्रीन वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस स्क्रीन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको फाइनली बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आप लोग को, जो है सिंपल से अपने सेटिंग्स में आना है डिस्प्ले में। एंड यहाँ पर आप सभी लोग को नीचे नॉच स्क्रीन देखने को मिल रहा होगा। सो गाइस यहाँ से आप लोग को इसको कर देना है ऑफ। एंड गाइस इतना करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ से ऐसे करना है, एंड यहाँ से आप लोग को गेम क्लीन कर देना है गाइस। सो गाइस फाइनली मैंने अपना गेम मतलब वहाँ से हटा के फिर से मैंने इसको फिर से मतलब मैं अपना गेम ओपन कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं गाइस हमारा स्क्रीन प्रॉब्लम देख सकते हो सॉल्व हो चुका है। एंड यहाँ पर गाइस आप सभी लोग देख सकते हो फुल स्क्रीन हम लोग का दिखाई दे रहा है। एंड अभी कस्टम मोड के बारे में बात करते हैं, तो कस्टम मोड में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस कस्टम मोड आप लोग देख सकते हो फिर से मेरा नॉर्मल कस्टम मोड हो गया है, जो कि गाइस एकदम करीब हो गया था गाइस वो अब दूर दूर हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।